सो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 डाकू अंगुलीमाल। इसका सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। भय, भय को क्या बोलते हैं? डर। क्रूरता को कठोरता। विनती, विनयपूर्वक। स्वर, आवाज। अहिंसा, किसी को ना मारना। त्रस्त, डरी हुई। दृष्टि, नज़र। कष्टों मतलब दुखों। त्यागना, छोड़ देना। चिंता, सोच। राह, रास्ता या मार्ग भी बोल सकते हैं। विकराल, भयंकर। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट है, महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? वह कहाँ की राजधानी थी? तो महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए श्रावस्ती पहुँचे, वह कौशल प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ पर देखिए मैंने है लिख दिया मिस्टेक से, आप ये थी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा प्रसेनजीत की चिंता का कारण क्या था? महात्मा बुद्ध ने उसे क्या कहकर धीरज बंधाया? तो उत्तर है, राजा प्रसेनजीत की चिंता का कारण डाकू अंगुलीमाल था। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, किससे? राजा से। राजन, आप चिंतित ना हो, मैं आपकी चिंता दूर करूँगा। ठीक, जब भी हम किसी की बात होती है जिसे कहा है बोलते हैं, जैसे बुद्ध जी ने कहा है, तो हम उसे किस में लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते हैं। ओके, ग, डाकू का नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा? तो डाकू का नाम, यहाँ पर डाकू का नाम नहीं आएगा। ठीक है, आंसर आपका यहीं से आएगा, जब भी किसी का वध करता। यहाँ पर स्टार्ट आप डाकू से करेंगे। डाकू जब भी किसी का वध करता, उसकी एक उंगली काट लेता था। इसी प्रकार उसके पास उंगलियों की माला सी बन गई। इस कारण डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पर डाकू जब भी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस वाक्य से महात्मा बुद्ध आखिर क्या कहना चाह रहे थे? तो इस वाक्य से बुद्ध कहना चाह रहे थे कि तुमने ठहर जा कहा जिससे मैं रुक गया, लेकिन तुम दूसरों को मारना कब बंद करोगे? यही उनका इस वाक्य को बोलने का सार था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती में टिक करेंगे। ख, जिधर से उंगलीमाल निकलता उधर क्या होता था? क्या होता था? जी, पुकार मच जाती। राजा प्रसेनजीत की चिंता का कारण कौन था? डाकू अंगुलीमाल था। ओके, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर अंगुलीमाल ने सदा के लिए क्या त्याग दिया? हिंसा का जीवन त्याग दिया। थर्ड है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर से चूज करके लिखना है। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती पहुँचकर महात्मा बुद्ध ने ब्लैंक को बहुत चिंतित देखा, राजा प्रसेनजीत को। ठीक, नेक्स्ट है, ब्लैंक ने राजा को धीरज बंधाया, महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है, अंगुलीमाल एक बड़ा भयंकर डाकू था। क्या था? डाकू। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की ब्लैंक ले रखी थी। क्या रख रखी थी? प्रतिज्ञा। ये प्र है ना। नेक्स्ट है, विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। तो हमें पता है जो शब्द विशेषता बताता है हम उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे भयंकर विशेषण है, और विशेषण किसका है? डाकू का है। डाकू विशेष्य शब्द है, तो ये सभी विशेष्य शब्द हैं और यहाँ पर विशेषण है। विकराल, विकराल क्या आएगा? तो यहाँ पर विकराल, यहाँ पर जो दो बार बाल लिखा है ना, तो हम पार्ट में से एक मिस्टेक थी, तो यहाँ पर आप मूर्ति लिखेंगे। ठीक है, विकराल मूर्ति क्यों लिख रहे हैं आप देखेंगे। विकराल मूर्ति, वो मूर्ति का कह रहे हैं किसे? अंगुलीमाल को। तो विकराल मूर्ति, तो यहाँ पर मूर्ति आएगा, बाल की जगह पे आप मूर्ति लिखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर बाल दिया हुआ है, तो बिखरे बाल,
बिखरे बाल, मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, ठीक है, विकराल मूर्ति। ये बाल नहीं लिखेंगे, बाल की जगह पे मूर्ति लिखेंगे। नेक्स्ट है शब्द बनाइए, हजार का हजारों हो गया, आदमी का आदमियों, ठीक, प्राण का प्राणों, अंगुली का अंगुलियों, ठीक है। वाक्य बनाइए, यहाँ पर पूरा शब्द दिए गए हैं, उसका हमें उपयोग करके वाक्य की रचना करनी है। तो देखेंगे महात्मा बुद्ध के बोलने से, यहाँ पर बोलने, ठीक है, बोलने से जादू सा असर हुआ। तो जादू सा के नीचे, जादू सा असर के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उपदेश सुन, तू कब ठहरेगा, मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा, तो तू कब ठहरेगा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उपदेश सुनकर, उपदेश सुनकर आप सेंटेंस बनाएंगे, महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता त्याग दिया, उपदेश सुनकर के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोचिए और बताइए, हमें सिर्फ यहाँ पर अपने अपनी थिंकिंग बतानी है, ठीक है। अंगुलीमाल मरे हुए आदमियों का हिसाब रखने के लिए क्या करता था, तो क्या करता था, उनकी उंगलियाँ काटकर माला पिरोकर गले में धारण कर लेता था। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से प्रेमपूर्वक क्या कहा, प्रेमपूर्वक उन्होंने उसे हिंसा का रास्ता छोड़ देने को कहा। राजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध से अपनी चिंता का क्या कारण बताया, तो राजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध से अपनी चिंता का कारण अंगुलीमाल को बताया, डाकू अंगुलीमाल को बताया। महात्मा बुद्ध ने धीरज बंधाते हुए राजा से क्या कहा, तो महात्मा बुद्ध ने धीरज बंधाते हुए राजा से कहा, चिंतित ना हो, मैं आपकी चिंता दूर करूँगा। तो ये सारे हमने प्रश्नों के उत्तर में कर लिया है, इसलिए आपको ये कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओरल ही करना है, ठीक है, तो आप इसे नहीं कर। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।